ये कैसी प्लेस लगी आपको? अच्छी प्लेस। बोलता अगर आम लोग जो होते अगर उन वो चाहेंगे दाचीगम जाना, उधर से एंटर कर सकते हैं दाचीगम तो अच्छे से? अच्छा से चलता है। ठीक ठीक। तो आपको कितना टाइम हो गया इस वाली प्लेस पे? 10-15 दिन इधर ही हो गया। अच्छा 3 साल तक। अच्छा अभी तक कौन कौन सा जानवर आपने यहाँ पे अपने आंखों से देखा है? मैंने रीछ देखा, शेर देखा, रीछ, रीछ, बारहसिंगिया देखा। बारहसिंगी क्या होता है? डियर। अच्छा ठीक, वो देखा और कुछ नहीं देखा। ठीक, हम ट्रैक करके तो कितना टाइम लगेगा दाचीगाम तक? 2 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। वहाँ छोड़ते हैं यहाँ से अगर जाएंगे? हाँ चलता है लोग। सच में चलता है, भगवान चलता है, घोड़ा चलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम आए हैं खोनम साइड से। सुनने में आया है बहुत सारे बोल रहे थे कि भाई गूर हिल जाओ, वो क्या बोलते हैं खानम साइड से आता है। तो प्रेजेंट लोकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए गाइज। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हमारा विजिट है। जी शाहिद जी, शौकत भाई जी, ये हमारा फर्स्ट विजिट है, क्या लगता है आपको? जी देखेंगे कितना होगा अभी ऊपर। जी अभी देखा ही नहीं है कितना ऊपर है। ठीक, आपको पूरा शेयर करेंगे, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है तो आपको दिखाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सीधे जाओ क्योंकि एक्चुअली जो पीछे दो रास्ते जा रहे, हमने सोचा चलो इस वाले रास्ते से, लेकिन हमने अच्छा राइट वे चूज किया। आगे जाएंगे देखेंगे कैसी प्लेस है। भाई फाइनली हम पहुंचे इस वाली प्लेस पे, तो यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर लिया है। गाइस इस जगह पे हम पहुंचे थे, तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे से बच्चे मिल चुके हैं, तो इनके साथ हम करेंगे बात। तो जी छोटे, आपका नाम क्या है? नूरैन। अच्छा आपका? निदा। आपका? आपका नाम क्या है छोटी? आयदा। अच्छा आप क्या करने आए हो इधर? वाटरफॉल। अच्छा वाटरफॉल देखना। अच्छा कैसी प्लेस लगी आपको ये? बहुत अच्छी। जी जी, आप इस छोटी सी बच्ची से हम कहना चाहते हैं ये कैसी प्लेस लगी आपको? हाँ अच्छी प्लेस। इससे पहले कभी विजिट किया है इधर? अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा हमारे व्यूवर्स को बोलो, विश करो उनको ईद मुबारक। हाँ जोर से बोलो। चलो गाइस, अच्छा चलो टाटा करो भाई। बात करना चाहते हैं जी, आपको कैसी प्लेस लगी? आपने कभी एक्सपेक्ट किया था ऐसी प्लेस? नहीं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ आज। ठीक, हाँ मैंने भी यहीं पे सुना। एक्चुअली मैं पामपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव है खनमु में, तो यहीं पे मैंने सुना कोई जगह है यहाँ पे, मैंने बोला चलो देखते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है ना? बहुत ही। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे थोड़ा चुपते हैं, तो बाकी लेकिन प्लेस बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। चलो फैमिली अगर फैमिली भी आ सकती है तो वहाँ तक गाड़ी आ सकती है। बिल्कुल फैमिली प्लेस है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फैमिली प्लेस है। जी बस ये है कि खाने पीने का इंतजाम वहीं से करके लाना, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, खाली फ्रेश वाटर मिलेगा यहाँ पे। जगह तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर। तो गाइस वंस टाइम आई एम शोइंग यू, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद तो ये देखो, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मुझे लगता है यहाँ से यावर पाँव पर भी दिखता है शायद। यावर ये कितना बड़ा पत्थर है भाई। यार इधर थोड़ा आप हो जाओ खड़े। देखो गाइस मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो कितना बड़ा पत्थर है। पकड़ी के
तो गाइज आपने सुना है कि बोरे जो यहाँ से पानी बह रहा है दाची गांव से वहाँ से आता है, जो पानी है ना ये दाची गांव से आता है, दाची गांव पे है यहाँ, तो इस ना दाची गांव का से इस वाता यहाँ पे ही है। बाय हाँ, नहीं उतना ठंडा मुझे लगता है यहाँ पे सांप भी होंगे है ना यार, सांप। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, तो ये जो आप ये पागे वाले पत्थर देख रहे हैं काफी ज्यादा स्लिपरी है यार, देखो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं एंजॉय करने, तो अगर आप भी चाहते तो आइए एंजॉय कीजिए, तो अगर आपको नहाना भी है तो यहाँ पे आप अच्छे से नहा सकते हैं। तो जो पापर में जो नया बाईपास शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से इस वाले एरिया से नया वाला बाईपास है, और जो आप ये थोड़ा ग्रीन डिमिनिश ग्रीन देख रहे तो ये जो पापर में जो वो सैफ्रॉन का लैंड है, तो ये वो वाला है, तो यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखेगा। अगर बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। और हम अगर आप गूगल भी करेंगे तो ऑलमोस्ट 252 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये प्लेस है, तो ये ज़्यादा मशहूर नहीं है यावरमा, ये प्लेस ज़्यादा मशहूर नहीं है, हाँ पिछले साल ही ज़्यादातर मशहूर हो गई। आप भी चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी हिस्ट्री पूरी आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। और तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ सीखा होगा तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टिल देन बाय बाय।